जब नीडल वाटर में है जब उसको पुल करेंगे तो सरफेस टेंशन फोर्स इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट ठीक सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा जो कि उसकी वैल्यू हम निकाल लें तो उसके इक्वल फोर्स दे दें सर्फेस टेंशन को ओवरकम कर जाएंगे तो देन वी कैन जस्ट पुल इट आउट ठीक तो सर्फेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी द फोर्स ऑफ सर्फेस टेंशन हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये एक फोर्स है जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको वाटर से बाहर आने के लिए ठीक फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टेंशन की जो वैल्यू होती है यहाँ पर टू इंटू एल्व इसलिए यूज़ किया हमने क्योंकि यहाँ पर टू फ्री सर्फेस है देर इज़ अ टू फ्री सर्फेस गोइंग टू एक्ट टू फ्री सर्फेस का मतलब क्या है ठीक है जैसे कि नीडल है तो दो दो साइड से इज गोइंग टू एक्ट ओके सो टू फ्री सर्फेस गोइंग टू so, एक्ट ऑन दिस सो एल इंटू एल सो वी आर गोइंग टू एक्ट टू एल्व ओके okay, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या okay, है सेवन पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू ओके इंटू टू इंट लेंथ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है टेन टू द पावर माइनस टू इसको सॉल्व किया थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री न्यूटन सो जो हमारा सर्फेस टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू इतनी है दैट इज थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टू माइनस थ्री न्यूटन यदि हम इतना फोर्स अप्लाई कर दे तो सर्फेस टेंशन से ओवरकम हो जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू पुल इट आउट ओके सो दिस विल बी आवर फाइनल थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर